नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम सबसे आसान तरीके से रामनवमी पर 5 पॉइंट की हेल्प से भगवान श्री राम जी का चित्र बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपको पहले बहुत ही आसानी से दोस्तों 5 पॉइंट लगा देना होगा। पॉइंट लगाने के बाद इस वाले पहले वाले पॉइंट से आप दूसरे वाले पॉइंट पर आइएगा। यहाँ से आप यूँ मिला दीजिए इसको। मिलाने के बाद ऊपर ही आपको एक सर्किल बना देना होगा। एक सर्किल आप यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा, छोटा सा सर्किल बीच में, एक सर्किल आप इधर बना देंगे। बीच में दोस्तों एक हाफ सर्किल बनाइएगा और इसको हम कर देंगे ऐसे डबल। जब आप डबल कर लीजिए, ऊपर के साइड में हमें एक लिप्स बना देना है। इधर से आप यूँ मिलाइए सर्किल पर और यहाँ पर भी आप ऐसे मिला दीजिएगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर आप ऐसे आर्क लगाते हुए आगे के साइड में बढ़ा दीजिए। अब ऊपर हमें एक बड़ा सा एक हाफ सर्किल बनाना है। यहाँ से यूँ मिलाइए, एक लाइन इधर, एक आप इधर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, एक लाइन इधर हल्का सा बाहर के साइड में करते हुए, फिर ऊपर एक वी लेटर छोटा सा सर्किल बना दीजिए। अब इस पहले वाले पॉइंट से आप तीसरे वाले पॉइंट पर आइएगा। यहाँ से ऐसे मिलाइए और इधर से भी आप नीचे के साइड में यूँ मिला दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सा यू लेटर लिखना है। इधर यू लेटर लिखेंगे, छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम भगवान श्री राम जी का आईब्रो बना देंगे। इधर से भी ऐसे आईब्रो बनाइएगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आई बना दीजिए। यूँ करिए, इधर ऐसे करिएगा नीचे के साइड में और यहाँ पर छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट कर दीजिए। और गाइज, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान श्री राम जी की जय जरूर लिखिएगा। यहाँ से एक लाइन नीचे, एक लाइन इधर ऐसे बढ़ाएंगे, हल्का सा बाहर ले जाइएगा, इधर ले जाएंगे, यूँ यहाँ पर मिला देंगे। इस साइड आपको लिप बना देना है इनका। इधर ऐसे यूँ हो जाएगा, एक लाइन इधर और इसको ऊपर के साइड में मिलाइए। अब दोस्तों देखिएगा, इस पॉइंट से आप नीचे वाले पॉइंट को मिलाइए। यहाँ से ऐसे इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे। इधर से ऐसे लाइन बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ाइएगा, भगवान श्री राम जी का नेक बन जाएगा। बीच में एक बड़ा सा वी लेटर लिख दीजिए। इस वी लेटर को हम कर देंगे डबल आसानी से। इधर से इनका आई ईयर बना दीजिएगा। यहाँ से ऐसे इधर से भी आप कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल डबल करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, यहाँ पर ऐसे डबल कर दीजिए। इधर भी आप ऐसे कर देंगे। अब दोस्तों इधर से हम इनका हेयर बना देंगे। इधर हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए नीचे ले जाइए। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे और आपको यहाँ से एक लाइन बढ़ाना है। एक इधर ऐसे बढ़ाइएगा, यहाँ से एक लाइन और ऊपर की तरफ करेंगे। नीचे के साइड में आप छोटे छोटे सर्किल बनाते जाइएगा। और आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है भगवान श्री राम जी ने कितने वर्ष का वनवास किया था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर ऐसे डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर श्री राम जी का यहाँ पर धनुष बना दीजिएगा। इधर करेंगे इसको हम डबल। ऐसे डबल हो जाने के बाद इधर आपको तीर बना देना होगा। लाइन ऐसे बढ़ाएंगे, छोटे छोटा वी वी लेटर लिख दीजिए। एक यहाँ पर भी ऐसे वी वी लेटर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों इधर धनुष भी बनाना होगा। यहाँ से यूँ और इधर ऐसे बढ़ाइए। ये वाला पोर्शन हम कर देते हैं डबल। इसको पूरा आप यहाँ तक ऐसे डबल कर दीजिएगा। आगे के साइड में छोटा सा सर्किल इधर ऐसे करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर से नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इधर आपको दोस्तों ऐसे डबल करना है। यहाँ पर भी लाइन को एक छोटा सा बॉक्स बना देना है। जब आप बॉक्स बना लीजिएगा, देखिएगा इधर और नीचे बढ़ाएंगे। नीचे के साइड में लिखना है हैप्पी राम नवमी। तो यहाँ पर एच ए डबल पी वाई हैप्पी हो जाएगा, आर ए एम राम और यहाँ पर लिख दीजिएगा नवमी, एन ए वी ए एम आई। तो चलिए दोस्तों, अब हम भगवान श्री राम जी को कलर भी करना सीख लेते हैं।